أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे YouTube चैनल SJB खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम एक और नई रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हो गए हैं। देखो हम आज आम का चटनी या आम का अचार बनाएंगे। आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो चेक करना, और जब अच्छी लगेगी मेरी वीडियो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। बेल आइकन दबाने से ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास पहले जाके पहुंच सके, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। देर ना करते हुए चलो आओ शुरू करते हैं। आम का अचार या चटनी भी बोल सकते हैं। चलो आओ हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम सरसों का ऑयल 2 टेबलस्पून डालेंगे, और जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम सरसों का ऑयल धुआं उठने लगे तो इसमें हम फूटन डाल लेंगे। जो फूटन बाज़ार में मिलता है उसमें हम फूटन डाल लेंगे 1 टीस्पून, और 2-3 ड्राई रेड चिली डाल लेंगे तोड़कर। इसे थोड़ा सा अच्छी तरीक़े से चटका लेंगे। जैसे ही चटक जाए उसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के वक्त हम इसे लो फ्लेम कर लेंगे वरना चटक जाएगा। इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और हम आम लिए हैं कच्चे पक्के आम, 3 आम लिए हैं, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट चुके हैं। इसमें हम डाल लेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसमें डालकर, और इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। उसमें हम इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हम 1/2 किलो आम लिए हैं, हम 1/2 किलो आम में 1/2 किलो चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हम इसे पलटा लेंगे, चला लेंगे, चलाकर इसे हम कवर करके बनाएंगे। चीनी डालकर हम इसे चला लेंगे, चलाकर 10 से 15 मिनट इसे पकाएंगे। जब तक ना आम हमारा घुल जाए तब तक हम पकाएंगे इसे। या आराम से 1 महीना तक फ्रीज में रख के खा सकते हैं। देखो इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे। देखते हैं कैसे बना है हमारा आम का चटनी या आम का अचार। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। हो गया है तैयार, और थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे। देखो पक गया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर हुआ है। इसे हम अब सर्व करेंगे। देखो कितना सुंदर बन गया है हमारा अचार, इसे हम अब सर्व करेंगे। चूल्हे को कर लेंगे बंद, इसको हम अब सर्व करेंगे। स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीना तक फ्रीज में स्टोर करके। जब भी कोई खट्टी चीज़ या अचार
जो भी कोई बनाए तो बोतल में रख सकते हैं, कांच का बोतल में, प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। देखो हम इसमें इसको हम बनाएंगे तो बच्चे हमारा हम इसे सॉल्व करेंगे, बोतल तक रखने नहीं जाएगा, बच्चा हमारा चटपट कर जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। देखो कितना सुंदर इसका कलर हुआ है, मैं दुआ करती हूँ आप मेरे वीडियो फुल वॉच करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखोगे।